नागिन टीवी के मोस्ट पॉपुलर सुपर नेचुरल शो में से एक है। एकता कपूर अपने इस सीरियल की कहानी और प्लॉट से दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन से बांधे रखने में कामयाब रही हैं। उनका ये शो हमेशा टीआरपी चार्ट पे टॉप पर रहा है। नागिन के अब तक 6 सीजन काफी हिट रहे हैं और अब फैंस इसके 7वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एकता कपूर के नागिन 7 की लॉन्चिंग डेट सामने आ गई है। चलिए जानते हैं ये मोस्ट अवेटेड शो टीवी पर कब से ऑन एयर होगा। दरअसल टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरनैचुरल ड्रामा के 7वें सीजन को जनवरी 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक मेकर्स द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 16 में धमाल मचाने के बाद एकता कपूर की स्मैश हिट सुपरनैचुरल सीरीज के अपकमिंग सीजन नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के लीड रोल में नजर आने के रूमर्स फैले हुए हैं। हालांकि बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के माने तो प्रियंका चाहर चौधरी ने एकता कपूर के नागिन 7 में शामिल होने की अफवाहों को खारिज किया है। ऐसे में शो के फैंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार सीजन 7 की नागिन कौन होगी। बता दें कि 2015 में नागिन का सीजन 1 टेलीकास्ट हुआ था। इस शो में मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी ने लीड रोल प्ले किया था। इसके बाद अब तक शो को 6 सीजन आ चुके हैं। तेजस्वी प्रकाश स्टारर लेटेस्ट एम सीजन नागिन 6 न केवल धमाकेदार था बल्कि अब तक के सबसे लंबे सीजन में से भी एक रहा था। बिग बॉस 15 की विजेता तेजस्वी प्रकाश ने 6 सीजन में सिम्बा नागपाल के साथ कई भूमिकाओं में धमाल मचाया था। नागिन 6 12 फरवरी 2022 से 9 जुलाई 2023 तक टेलीकास्ट हुआ था। शुरुआत में तो यह शो धमाल मचा रहा था और टीआरपी रेटिंग में हमेशा टॉप 10 में रहता था। बाद में रेटिंग्स में गिरावट आई लेकिन यह पूरे एक साल तक कायम रहा जिससे यह सीरीज का सबसे लंबा सीजन बन गया था। रेटिंग उतार चढ़ाव के बावजूद सभी नागिन सीजन हिट रहे हैं और फैंस द्वारा काफी पसंद किए गए हैं। फिलहाल हर किसी को नागिन 7 का इंतजार है। हालांकि क्रिएटर्स ने अभी तक इस फिक्शनल ड्रामा की स्टार कास्ट को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहें इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।